तो चलो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम लोग के पास दो प्लेनेट है। एक का नाम ए है, दिस इज द प्लेनेट ए, ठीक है। और दूसरा प्लेनेट है, दिस इज प्लेनेट बी। कहता है इस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए, मतलब इस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए और प्लेनेट बी का रेशियो दिया हुआ है 1/2। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द प्लेनेट ए डिवाइडेड बाई प्लेनेट बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3 यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट ए टू प्लेनेट बी, मतलब हमें निकालना है एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी ए और एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी बी, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि इस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है किसी भी प्लेनेट से। 2g मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ये सब कुछ अंडर रूट, ठीक है। तो ये 2gm की वैल्यू होती है जी आर स्क्वायर और ये आ जाएगा आर, ये सब कुछ अंडर रूट। तो एक आर ने एक आर को इसको खत्म कर दिया, तो 2gr अंडर रूट ये बचा। तो यहाँ से मैं इस्केप वेलोसिटी अगर देखूंगा, तो इस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू इस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर अपन आर, ये वाली। तो यहाँ से ये टर्म निकल के आया, अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से तुम कन्वर्ट कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए और बी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इस्केप वेलोसिटी ए और इस्केप वेलोसिटी बी का होल स्क्वायर और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेडियस ऑफ बी और रेडियस ऑफ ए का मतलब पावर 1। तो इस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर और बी अपान ए की वैल्यू 3 है, मतलब ये आ जाएगा 3/4 इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज द आंसर। 3/4 मतलब ये वाला अपना सही है, तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।